क्यों रही है क्रिश 4 के लिए पैरेलल यूनिवर्स वाली कंट्रोवर्सी, और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? क्या क्रिश 3 के बारे में ऑडियंस के लिए ये पैरेलल यूनिवर्स को पेश किया जाना क्रिश 4 के लिए भारी पड़ सकता है? आइए जानते हैं आज ही इस वीडियो में। तो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट मीनाक्षी, और बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं क्रिश 4 के बारे में। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि कैसे क्रिश 3 के बारे में काफी सारी अफवाहें उड़ रही हैं, और साथ ही साथ में लोगों ने उसको फ्यूचर डिक्टेटिंग स्टोरी बता दिया था, और उसको साथ ही साथ में कोविड और फंगस के साथ कैसे रिलेट किया था, जिसकी वजह से और ज्यादा हाइप अप हो चुका था क्रिश 4 का फैन बेस। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित यह मूवी में ऋतिक रोशन एज मेन लीड नजर आने वाले हैं, और एक बार फिर से ब्लैक कोट और ब्लैक मास्क के साथ वह पूरी दुनिया को बचाने के लिए तैयार हैं। इस मूवी को लेकर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज उड़ चुकी हैं, जिसके पीछे का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है क्रिश 3 को। जी हाँ दोस्तों, फिर से जैसे पिछली बार हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे ऑडियंस ने इसको एक फ्यूचर डिक्टेटिंग स्टोरी दर्शा दिया है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ऑडियंस के लिए यह एक पैरेलल यूनिवर्स का पोजेशन हो चुका है। तो आइए इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पैरेलल यूनिवर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स उसको बोला जाता है जहां पर जो अभी हो रहा है उसका एग्जैक्ट चीज उल्टा होता है, यानी कि वो दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह चलती रहती है हम लोगों के साथ साथ ही पैरेलल फॉर्म में, लेकिन वहां पर जो यहाँ पर हो रहा है उसके कंपेयर में सब उल्टा होता है। फिर भले ही वो रिश्ते हों, एक्सप्रेशन, इमोशन, इंसान का कैरेक्टर या खुद इंसान। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो पैरेलल यूनिवर्स से कैसे क्रिश 3 को जोड़ चुके हैं लोग। तो दरअसल बात ये है कि इस मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनमें से कि कुछ की ऑफ स्क्रीन भी काफी ज्यादा किस्से कहानियां हैं, जिनमें से सबसे पहले नाम आता है हमारे कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का, जहां पर ऑन स्क्रीन कंगना रनौत कृष्णा के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तक तैयार होती हैं, वहीं असल लाइफ में इन दोनों के बीच में इतनी बुरी हिस्ट्री है और इतनी ज्यादा अनबन है कि दोनों के दोनों अगर साथ में कहीं चले जाएं तो वापस सिर्फ एक ही लौट पाएगा। क्रिश 4 इतनी ज्यादा अवेटेड मूवी है, उसका फैंस काफी समय से इतना इंतजार कर रहे हैं कि उसकी रिलीज को कई बार तो अफवाह समझ लिया गया, लेकिन हर बार राकेश रोशन ने ये बात क्लियर की कि मूवी सच में बनने वाली है। अब अगर बात करें एक और कैरेक्टर के बारे में, तो जहां पर ऑन स्क्रीन दिखाया गया था कि विवेक ओबरॉय यानी कि हमारे क्रिश 3 के काल हमारे क्रिश यानी कि हमारे ऋतिक रोशन के जान के दुश्मन है, वहीं रियल लाइफ में दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ही सुंदर है, और साथ में हमेशा ही वो दूसरों के काम की बेहद तारीफ करते हैं। जहाँ एक तरफ ऋतिक रोशन हमेशा ये बात बोलते हैं कि काल का पार्ट विवेक ओबरॉय से बेहतर कोई निभा ही नहीं सकता, वहीं सेम जगह पर विवेक ओबरॉय भी ऋतिक रोशन के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते, और उन्होंने हमेशा ये बात बोली है कि जिस तरीके से ऋतिक रोशन ने क्रिश कृष्ण और रोहित का कैरेक्टर साथ में संभाला है वो चीज बहुत ही इनक्रेडिबल है, और ये चीज से हम सब ही अग्री भी करते हैं। अब देखना होगा कि क्या इस बार कहानी में काल यानी कि हमारे विवेक ओबरॉय और ऋतिक रोशन की इस ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑन स्क्रीन दिखाया जाएगा, और अगर हाँ तो किस तरीके से। तो दोस्तों, यही थी इसके पीछे की पैरेलल यूनिवर्स वाली कहानी। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लें ताकि एंटरटेनमेंट जगत से आप जुड़े रहें हमेशा की तरह।